चीन के झांगजियाकोउ शहर में एक केमिकल फैक्ट्री के पास बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद घायलों को फौरन पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। इसी साल 2022 विंटर ओलंपिक्स का आयोजन होना है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि विस्फोट फैक्ट्री में हुआ या उसके पास सड़क किनारे, लेकिन इतना जबरदस्त था कि इसकी चपेट में आसपास खड़े करीब 50 छोटे बड़े ट्रक भी आ गए और सभी खाक हो गए। स्थानीय प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट ने चीन सोशल मीडिया वीवो पर बताया कि विस्फोट उत्तरी चीन के झांगजियाकोउ शहर स्थित हेबेई शेंगुआ केमिकल कंपनी में हुआ, जो चीन की राजधानी बीजिंग से करीब 200 किलोमीटर दूर है। विस्फोट मंगलवार देर रात करीब 12:41 पर हुआ। बयान में हालांकि ये नहीं बताया गया है कि विस्फोट में फैक्ट्री को किसी तरह का नुकसान पहुंचा या नहीं, या फिर ये सड़क पर हुआ। इसमें कहा गया है कि मामले की जांच की जा रही है और इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विस्फोट के कारण क्या हैं। वहीं चीन के सरकारी चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर घटना से संबंधित कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें विस्फोट से नष्ट हुए ट्रक और कार नजर आ रहे हैं।